अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जिन लोगों ने न जाने कैसे पैसा इकट्ठा कर कर टिकट लिया था और गाड़ी का, अब दिल्ली पुलिस इनको वहाँ तक जाने नहीं दे रही। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार सर। कहाँ से जाना है आपको? कहाँ सर? अक्षरधाम से जा रहे हैं पटना के लिए सर। अच्छा जी, कितने का आपने टिकट लिया है? सर 1799 रुपये का टिकट है सर, ऑनलाइन बुक किए थे। पैसे वैसा था? पैसे सर घर से मंगाए थे। अच्छा, तो अब क्या परेशानी आ रही है? अब यहाँ पे आए तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है और ये सब अफवाह है, जाओ ऐसा कोई बस नहीं चल रहा है। अच्छा, ना जाने कितने हज़ारों लोग हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो अपना घर से दूर हैं और घर छोड़कर आए थे किसी काम से, काम करने के लिए, लेकिन अब दोबारा से अपने घर जा रहे हैं। अभी हम इन लोगों में चलेंगे और उनसे पूछेंगे क्या परेशानी है और जो मदद होगी इंशाल्लाह हम करेंगे। चंडीगढ़ से? तो चंडीगढ़ कितने बच्चे आपके साथ? चार बच्चे, अम्मिया बीबी मैं। चंडीगढ़ से कैसे दिल्ली तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? पैदल किया, कुछ तो भैया मिल गए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सहारा दिया तो गाड़ी तो कुछ छोड़ दिया, ऐसे करके आए। कितना दिन हो गया आपको सफ़र? छः से निकले, 6 तारीख से। खाने वगैरह की दिक्कत? खाना आना अंकल सब कुछ मिलता है, लेकिन जाने का कुछ आदेश नहीं दे रहे। मेरे लिए तो कुछ साधन ही नहीं, साहब यूपी के लिए कुछ भी नहीं। हाँ, तीसरा दिन हो गया, टाइम देखते देखते कि आज भेज रहे कल भेज रहे, सब कोई नहीं भेज रहा। क्यों रो रही हूँ बहन, आप बताओ? मुझे गुड़गांव जाना है भैया के पास अपने। कहाँ से? ये कितने दिन का बच्चा है आपका? ये तो 1 साल का बच्चा हो गया मेरा। आप कहाँ से आई हो चल के? नवेड़ा से आई हूँ। आपके साथ में कौन है? कोई भी नहीं, अकेली हूँ मैं तो। अकेली हो आप? आपके हस्बैंड कहाँ पे? हस्बैंड नहीं है तो आप अपने भाई के पास गुड़गांव जाना चाहती हैं? आने के लिए कुछ है, पैसा वैसा है? कुछ कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही खाली आ गई थी। कुछ मिल जाएगा तो चले जाऊंगी, नहीं तो यहीं पड़ी रहूंगी। देखा आपने कितनी परेशानी है, ये हमारी बहन है और 1 साल का इसके बच्चा है इनके हाथ में और इनके पास ना पैसा है। खाने की कोई दिक्कत? खाना मिल गया? खाना नहीं मिला। साहब मुझे तो भेज दो वहाँ भैया के पास, भेज दो। अगर किसी ने टिकट मांगा तो कैसे जाओगी बहन, अभी बताओ? तो आपके पास पैसा नहीं है, अगर किसी गाड़ी वाले ने टिकट मांगा तो कैसे जाओगी? क्योंकि किराया तो लग रहा है, रेल में भी किराया लग रहा है, बस में भी किराया लग रहा है। बहुत परेशानी है लोगों को। मेरे पास कुछ भी नहीं है, नंबर भी नहीं है। रोना नहीं है बहन, सब ठीक हो जाएगा। देखो ये वक्त जो है ना, ये वक्त चला जाएगा।